सो स्टार मेकर पे एक नया गेम आपको देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सनशाइन फॉर्म। ये गाइस आपको डेली बेनिफिट में जब आप जाएंगे, डेली चेकिन पे जाएंगे, तो आपको वहां पे भी दिख जाएगा सनशाइन फॉर्म करके, और आप चाहें तो यहाँ पे गेम वाले ऑप्शन में भी इसको पा सकते हैं। तो ये जो नया गेम है, अगर हम शॉर्ट में बोले गाइस, तो आपको यहाँ पे फसल लगानी होती है, यानी कोई भी क्रॉप आपको लगानी होगी, उसके बाद में उसको काटना होता है। काटेंगे तो आपको उसमें कुछ सनशाइन मिलता है, और इस सनशाइन को आप जो है यूज कर सकते हैं अपने गिफ्ट को रिडीम करने के लिए। तो चलिए गाइस, इस इवेंट के बारे में कंप्लीट मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे अगर आप अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, गेम पे जाएंगे, और गेम पे भी गाइस आपको ये जो नया वाला गेम है सनशाइन फॉर्म, ये देखने को मिल जाएगा। इस इवेंट की अच्छी बात यह है कि इसमें आपके सिल्वर कॉइन्स लगने वाले हैं, लेकिन इवेंट में कोई बहुत खास गिफ्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले गाइस, आपको यहाँ पे फसल लगानी होती है, ठीक है। फसल लगाने के लिए एक फसल तो आपको फ्री में मिल जाती है, जिसमें आपको कोई भी कॉइन नहीं देना पड़ेगा, और दूसरे के लिए आपको कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स देना पड़ता है। जैसे ही आपकी फसल पक जाती है तो उसको आपको काटना पड़ता है, ठीक है। और जब आप उसको काटेंगे तो इससे आपको सनशाइन मिलेगा। सनशाइन जो ऊपर देखिए लिखा हुआ है 297 मेरा सनशाइन है अभी, तो इसको आप जो है गिफ्ट में रिडीम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 600 सनशाइन का आपको तीन कॉइन का ये वाला गिफ्ट मिलेगा, ऐसे ही 6000 आपका जो सनशाइन है उसमें आपको ये सुंदर सा पेंडेंट मिलेगा। आप इसको यहाँ से आकर के रिडीम कर सकते हैं 30 डेज के लिए। तो अब कैसे गाइज आपको यहाँ पे क्रॉप को लगाना पड़ेगा और कैसे आपको फसल को काटनी पड़ेगी, वो सब कुछ गाइज यहाँ पे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी है किसी भी फसल को लगाना। इसके लिए आपको इस पर सिंपल फील्ड पे प्लस वाले पे टाइप करना पड़ेगा, और देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो क्रॉप है वो आपका कैक्टस है। कैक्टस के लिए गाइस आपको यहाँ पे एक भी सिल्वर कॉइन नहीं देना पड़ेगा, और ये जो फसल वो पक जाती है केवल और केवल 5 सेकंड्स में, यानी 5 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद में फसल पक जाएगी, और पकने के बाद आपको 100 जो है यहाँ पे वो मिल जाएगा सनशाइन। उसके बाद में दूसरा है येलो फ्लावर, जो कि 10 मिनट में पकती है। अब ये 10 मिनट में पकेगी, इसमें आपको 120 जो है वो मिलेगा सनशाइन। इसके बाद में और भी सारी फसलें हैं, लेकिन ये अभी लॉक्ड है। इसको अनलॉक कैसे करेंगे वो भी गाइज मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पे 100 सिल्वर कॉइन्स देके मैं येलो फ्लावर वाली जो फसल है इसको लगा देता हूँ, तो इसमें मुझे 120 जो है सनशाइन मिलेगा जब ये फसल पक जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको लगा दिया है। अब ये 10 मिनट तक आप इसको इसका सनशाइन नहीं ले सकते, 10 मिनट के बाद ये फसल पक जाएगी। तो इस पर आपको वन टाइम टैप करना है, जैसे ही वन टाइम टैप करेंगे तो फसल आपकी यहाँ पे कट जाएगी, और आपका जो भी सनशाइन इसमें बनेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। जिस प्लांट पे जितना सनशाइन मिलता है वो तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल ही जाएगा जब आप प्लांटिंग करने जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गाइज आपको बोनस भी मिल जाता है। अब बोनस क्या है कि आपको ये डेली 25% रिसीव होगा, यानी आप एक दिन में 25% आपको रिसीव होगा, दूसरे दिन आपका 50 होगा, फिर 75 होगा, यानी 25% करके आपको डेली रिसीव करना पड़ेगा। लेकिन आपको डेली चेक इन करना है, अगर आप एक दिन भी मिस कर दिए तो ये आपका फिर से जीरो हो जाएगा, आपका ये मैक्सिमम 100% जो है बोनस हो जाएगा। अब गाइस बोनस का यूज क्या होने वाला है, तो जैसे आप जब यहाँ पे कोई भी फसल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे येलो फ्लावर को आप लगाते हैं, तो इसमें आपको टोटल जो है 120 जो है सनशाइन मिलेगा। जैसे कैक्टस को आप लगाते हैं तो 100 आपको सनशाइन मिलेगा, लेकिन अगर आपका 100% बोनस भी है तो यहाँ पे आपको 100 के बजाय 200 यानी 200 सनशाइन मिलेगा। यानी जितना ज़्यादा बोनस रहेगा उतना अधिक आपको सनशाइन मिलेगा जब भी आप फसल को काटेंगे। तो अभी आप समझ गए होंगे कि फसल को काटने में आपको जितना भी सनशाइन मिलता है, अगर बोनस रहता है तो बोनस में और आपको बढ़ा के दिया जाता है। जितने ज़्यादा परसेंटेज आपका बोनस रहेगा उतना ज़्यादा आपको सनशाइन जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे एक आपको स्टेमिना जो है देखने को मिल जाएगा ग्रीन कलर में, यहाँ पे बिजली की तरह आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेमिना क्या है, देख सकते हैं मेरे अकाउंट में 12 स्टेमिना है। ये स्टेमिना आपका हर एक घंटे एक एक स्टेमिना बढ़ता रहता है, आपको यहाँ पे इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप एक घंटे में बढ़ जाएगा। तो जब आप किसी फसल को लगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं, तो आपका एक स्टेमिना लगता है, ठीक है, ये आपका एक अपने आप यूज हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी की फसल को चुराते हैं, यानी अगर किसी की फसल है वो अगर मेच्योर हो गई है, काटने लायक हो गई है, तो उसको अगर आप चोरी करते हैं तब भी गाइस आपको यहाँ पे एक स्टेमिना यूज होने वाला है। अगर आप यहाँ पे हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी फसल को काटते हैं, खुद की फसल को काटेंगे तो आपको कोई भी स्टेमिना नहीं लगेगा, लेकिन अगर दूसरे की फसल को आप काटते हैं तो आपका यहाँ पे एक स्टेमिना लगने वाला है, और साथ ही साथ जब आप फसल लगाएंगे तब भी आपका एक स्टेमिना लगेगा। तो अभी आप समझ गए होंगे आप फसल को चुराएंगे कैसे। यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग जो है अपनी अपनी फसल को लगा के रखे हैं, तो आपको सिंपल से मोर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे दूसरों की फसल दिख जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे सनशाइन सबका बना हुआ है कि इस फसल में इतना सनशाइन है, इसमें इतना, इसमें इतना है। तो यहाँ पे एक एक बार आप सबका सनशाइन चुरा सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सनशाइन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जितना भी सनशाइन होगा उसका 10% आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरे की फसल से अगर आप सनशाइन चुराते हैं तो एक स्टेमिना आपका यूज होगा, और जितना भी सनशाइन होगा उसका 10% सनशाइन आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें ऑनर का क्या होगा, तो भाई ऑनर का वही होगा कि अगर उस फसल को 3 लोग चुरा लेते हैं, यानी 3 बार वो फसल ऑलरेडी कोई हार्वेस्ट कर लेता है, ऐसे केस में
वो जो फसल है वो अपने आप पूरी कंप्लीट जो है गायब हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी, और जो भी उनका ये सनशाइन बचेगा वो ऑनर के अकाउंट में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने चुराया, ठीक है, एक बार मैंने इसको चोरी कर लिया, अब मैं इसको फिर से चुरा नहीं सकता इस फसल को, ठीक है। अब दूसरा कोई आया उसने चुरा लिया, फिर तीसरा कोई आया उसने चुरा लिया, तो मैक्सिमम 3 बार एक फसल को चुराया जा सकता है सनशाइन को। और यहाँ पे 3 बार चुराने के बाद ये फसल अपने आप पूरी कट जाएगी, और उसके बाद जो भी सनशाइन बचेगा वो ऑनर को मिल जाएगा जिसने इस फसल को लगाया होगा, ठीक है। तो आप फसल को जब भी चुराने जाएंगे, किसी के फसल को काटने जाएंगे, तो केवल और केवल 10% ही आप दूसरे की फसल में जो सनशाइन होगा उसका 10% ही आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपका स्टेमिना जो है 1 स्टेमिना यूज होगा। हर बार जितनी बार आप यहाँ पे किसी की फसल को चोरी करेंगे तो 1 स्टेमिना आपके पास में यूज होगा। यहाँ पे स्टोल फॉर फ्रॉम मी का भी ऑप्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी फसल को किसने चुराया है, ठीक है। स्टोल फ्रॉम मी पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे गाइज आप थोड़ा बहुत चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं, वैसे मैंने सब कुछ बता दिया है। तो देखिए लिखा हुआ है कि एक मेच्योर क्रॉप जो होती है, यानी जो फसल पक चुकी होती है, वो यहाँ पे अगर आप किसी के चोरी करने जाते हैं तो 10% ही आप जो यहाँ पे टोटल सनशाइन जितना होगा उसका 10% ही आप चोरी कर पाएंगे। और मैक्सिमम जो है यहाँ पे 3 बार जब चोरी हो जाएगा तो उसके बाद जो क्रॉप होगा वो ऑटोमेटिक फसल जो है कट जाएगी, और बाकी का जो सनशाइन बचेगा वो ऑनर के वॉलेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं। और मेच्योर क्रॉप कब होती है, मैंने आपको बता दिया कि हर क्रॉप के बाद टाइमिंग लिखी होती है, कितने टाइमिंग के बाद आपका जो क्रॉप है वो मेच्योर हो जाएगा, उसके बाद ही आप जो सनशाइन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमारा टाइम चल रहा है, इसमें 6 मिनट अभी बचा हुआ है, तो 6 मिनट के बाद हमारी जो फसल है वो मेच्योर हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे लेवल भी है, अब लेवल आप जब बढ़ाएंगे तभी आपकी सारी क्रॉप जो है अनलॉक होगी। जैसे यहाँ पे 357 मुझे और सनशाइन चाहिए, 357 सनशाइन और मेरे अकाउंट में आ जाएगा, उसके बाद हम लेवल 2 में आ जाएंगे, और लेवल 2 में जो भी क्रॉप होगी वो अनलॉक हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा आप लेवल बढ़ा लेंगे तो आपका यहाँ पे जो है क्रॉप जो है अलग अलग क्रॉप जो है यहाँ पे आपका अनलॉक होता जाएगा, और गाइज उसके बाद में आपको उसमें और ज़्यादा ज़्यादा जो है यहाँ पे सनशाइन मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा बड़े लेवल की आप क्रॉप करेंगे उतनी ज़्यादा सनशाइन मिलेगा, लेकिन उतने ज़्यादा आपके सिल्वर कॉइन्स भी लगने वाले हैं। बाकी गाइज यहाँ पे कोई और क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे टेक्नोरेंज ऑफिशियल पे मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस गेम के बारे में आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।